पिछले साल देश में विवादों में रहे राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनपीआर को लेकर खूब हो हल्ला हुआ था। विपक्षी दलों समेत कई लोग एनआरसी कानून और असम में जारी की गई लिस्ट के खिलाफ नजर आए थे। पिछले साल सरकार की तरफ से जारी की गई लिस्ट में 19 लाख से ज्यादा लोगों के नाम नहीं थे। उस वक्त सरकार की तरफ से इस लिस्ट को एनआरसी की फाइनल लिस्ट बताया गया था। तभी से इस लिस्ट में इतने सारे लोगों के नाम नहीं होने को लेकर विवाद शुरू हो गया था कि आखिरकार जिन लोगों के नाम एनआरसी की लिस्ट में नहीं है उनका क्या होगा। लेकिन अब एनआरसी की इसी लिस्ट को लेकर असम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। असम के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के संयोजक हितेश शर्मा ने असम की गुवाहाटी हाई कोर्ट को बताया कि अभी एनआरसी की फाइनल लिस्ट आना बाकी है। उन्होंने कहा है कि अभी रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया ने एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी नहीं की है। हितेश शर्मा की तरफ से हाई कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा गया था कि अभी रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया ने एनआरसी की फाइनल लिस्ट को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया है कि 2019 में एनआरसी की जो लिस्ट जारी की गई थी वो सप्लीमेंट्री लिस्ट थी। उस लिस्ट में गलती थी। लिस्ट में करीब 4,700 लोगों के नाम ऐसे थे जो गलत थे और लिस्ट में नहीं होने चाहिए थे। आपको बता दें, साल 2019 में सरकार की तरफ से जारी की गई लिस्ट में 5 लाख हिंदुओं और करीब 11 लाख मुसलमानों के नाम नहीं थे। उस वक्त इस लिस्ट में शामिल होने के लिए राज्य के करीब 3 करोड़। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।